नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। कल मैंने जो वीडियो बनाया था, आकाश बांधू पाताल बांधू, बांधू धरती आसमान, जो मैंने मंत्र कल बताया था, जिसको लोगों ने काफ़ी देखा, काफ़ी पसंद किया और लोग ये सीख सके कि उस मंत्र को पढ़कर हम कैसे किसी भी चीज़ को बांध सकते हैं। अब उसके बाद बांधना एक अपनी अलग क्रिया होती है और खोलना यानी काटना एक अलग क्रिया होती है। तो दोनों का तरीका हमेशा याद रखें, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा आपको दोनों भी अपने साथ रखना चाहिए। तो जो पहला वाला है, जो मैंने बताया आकाश बांधू पाताल बांधू, ये आपने अपने देखा कि कैसे अपने घर परिवार की हिफाजत करने के लिए दुकान मकान काम धंधा रोजी रोटी बरकत जमीन जायदाद सब चीज़ को गाड़ी मोटर इसको सबको बांधने, ताकि दुश्मन आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाए, कोई आपके पर कोई तांत्रिक क्रिया कर नहीं पाए। अब उसके बाद जब मैंने एक दूसरा भी बात बताया था उसके अंदर वीडियो में, कि आप अपने जब किसी साधना को किसी अमल को करने के लिए बैठेंगे तो आपको रक्षा कवच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रक्षा कवच की ज़रूरत के साथ साथ आप हमेशा याद रखिए कि उसको रक्षा जब दायरा खींच के बैठते हैं तो बाहर निकलने का तरीका भी आपको आना चाहिए। ये कोई भी आज तक गुरु ने आपको नहीं बताया होगा, मैं आपके मुँह पे कह रहा हूँ। आपने भले ही 50,000 वीडियो देखी होगी लेकिन ये बात किसी ने आज तक नहीं बोली होगी कि निकलने का तरीका क्या है। बस रक्षा कवच करके बैठो, ये साधना कर लो। अरे साधना पूरी होने के बाद उसमें से बाहर कैसे आते हैं, क्योंकि वो शक्तियाँ पूरी रात सुबह तक वो वहाँ बैठी रहती सूर्योदय तक, तो कैसे निकलेंगे उसमें से बाहर आदमी। तो उसके अंदर से निकलने का तरीका है, तो जो मंत्र मैं बताया उसको ही आप हमेशा रक्षा कवच में अपने शरीर की हिफाजत करने के लिए इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं श्री ओम नमो आकाश काटू पाताल काटू, काटू धरती आसमान, मेरा काटा ना कटे मेरे गुरु का काटा ना कटे, तो राजा रामचंद्र जी की आन। जी हाँ, इस मंत्र को मेरे गुरु ने बताया था। ये बहुत प्राचीन 400 साल पुराना मंत्र है और मेरे गुरु इसी मंत्र से लोगों का भला करते थे, लोगों के जादू टोने को काटते थे, तुरंत कट भी जाया करता था। ये कोई मंत्र नहीं, साक्षात जादू की काट है। जब तक आप इसका इस्तेमाल करोगे नहीं, आपको इसके बारे में पता कैसे चलेगा। आप इसको पहले कोशिश तो करिए। ये रक्षा कवच के घेरे को खींचने के लिए या आपके ऊपर जो भी जादू टोना है उसको काट देने के लिए काम आता है। ये सामने वाले के किए कराए जादू टोने को जितनी बार भी वो आपके पर प्रयोग करेगा वापस चले जाएगा, कट जाएगा। वो परेशान हो जाएगा कि यार मैंने इन लोगों के ऊपर इतना जादू किया, इतना जादू किया, इनके बाल को भी धक्का नहीं लग रहा। तो उसके बाद मैं बता दूँ कि वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आप अगर रोज़ सुबह अपनी दुकान पर भी इसको 7 मरतबे से 21 मरतबे पढ़ेंगे तो भी ये फ़ायदा करेगा, अपने परिवार के लिए पढ़ेंगे तो भी ये फ़ायदा करेगा, और गाड़ी मोटर पे काम धंधे पे रोजी रोटी बरकत पे ज़मीन की मट्टी उठाकर भी पढ़ेंगे, अगर प्रॉपर्टी नहीं बिक्री तो भी ये काम करेगा, यानी कोई कुछ भी कर रहा हो तो भी काम करेगा। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ इसके अंदर, कि जैसे आपका पति किसी के वश में हो गया है या आपका आपकी पत्नी किसी के वश में हो गया, सुन रही नहीं, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी खाने पीने की चीज़ में भी पढ़ के आप इनको खिला सकते हैं, या फिर आप इनको कोई नींबू पे करके उठा सकते हैं, काट सकते हैं, या आप चाय पे पढ़ के दे सकते हैं, या आप खाने पे पढ़ के दे सकते हैं, या पानी पे पढ़ के भी आप इन लोगों को चुपचाप पिला देंगे तो भी इनके ऊपर जो जादू टोना किसी ने भी किया होगा वो कटना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, इसका इस्तेमाल मैंने किया है और इसका रिज़ल्ट मिलता है। आप भी करें, विश्वास की ज़रूरत है, विश्वास के बिना कुछ नहीं होगा। ये आपकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करेगा, लेकिन इसके तीन तरीके मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप मूली के बीज के ऊपर इसको पढ़ करके आप अपने घर के आसपास भी डाल सकते हैं या दुश्मन के आसपास भी डाल देंगे तो उसका जादू कट जाएगा, या जिस जो भी आपके पास मदद मांगने के लिए आएगा उसको मूली के बीज पढ़ के देंगे तो भी काम करेगा। चने कच्चे चने के ऊपर पढ़ के देंगे, या बोलना जाके चबा लो, एक एक चना दो दो चना चबा लो तो भी ठीक हो जाएगा, या फिर आप चने को उसके घर के आसपास फेंकने बोलोगे तो खेत में फेंकने बोलोगे तो भी उसका जादू कट जाएगा। उसके बाद आता है नमक। आप नमक एक मुट्ठी लेके सामने रखे सर पे रख करके भी आप इसको 7 बार उतार कर फेंकोगे तो जादू खत्म हो जाएगा, लेकिन जब नमक फेंकोगे हाथ धोने के बाद जो पानी होगा वो पानी सामने रखे मुंह पे थोड़ा आपको ऐसे ऐसा लगा देना है। ये खुद भी कर सकते हो, सामने वालों को बोलो तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन पहले इस मंत्र को हमेशा 128 बार पढ़ कर पहले सिद्ध कर ले। बैठे बैठे आप बोलोगे यार मैं घर गृहस्थी वाले इंसान हूँ, औरत हूँ, आदमी हूँ, क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ, तो आप इसको बेशक अपने घर में बैठ कर कच्चे चने के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। वो चना भी आप किसी को देंगे तो भी काम करेगा। 128 चना बराबर साफ सुथरा कच्चा चना ले लें और उसको बस बैठे बैठे एक पड़े, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ हमेशा याद रखें पाक साफ रहे, नहा धोकर रहे, ताकि मंत्र
सिद्ध हो जाए, मंत्र को शक्ति मिले, और मंत्र हमेशा स्वच्छ शुद्ध और निर्मल होता है और गुरु का दिया होता है, तो उसका आदर सम्मान तो हमको करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर उस मंत्र का हम इस्तेमाल करके हम उसके बाद फिर हम उस मंत्र को सिद्ध कर ले, और सिद्ध करने के बाद आप जब चाहे जब उसका इस्तेमाल करके आप किसी न किसी को इस बीमारी परेशानी जादू टोने से आप ठीक कर सकते हैं, और वाकई में वो आदमी ठीक होगा, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कई लोग आज यूट्यूब के ऊपर मेरे इस वीडियो को देख करके, मैंने कई बार इस वीडियो को बताया है लेकिन लोग समझे नहीं, अब मैं सामने आके बताऊँ तो समझ में आ रहा है। तो नींबू के ऊपर, नारियल के ऊपर, लौंग के ऊपर, आप चाहो तो नमक के ऊपर, आप पानी की बोतल के ऊपर, यानी पानी की बोतल में पढ़ के दिए सामने को बोले जा पानी थोड़ा सा नहाने में डाल के अपने आप को नहा ले तो भी जादू कट जाता है, पीने को देंगे तो भी कट जाता है, जो भी खिलाए पिलाए, याद रखिए खिलाए पिलाए चीज़ों से इंसान के शरीर के अंदर जो पेट की बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा बनती है। तो जो भी चीज़ें आप करेंगे, नींबू उतार के काटेंगे तो उसका नींबू फेंक दे, नारियल उतारेंगे तो उसका नारियल तोड़ कर फेंक दे, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई तावीज़ नहीं बना सकते हैं आप, और ना ही कोई धागा बना के पहन सकते हैं, क्योंकि ये काटना सिर्फ एक बार में कट जाता है। यानी जैसे आपने 21 बार इस मंत्र का जप किया तो ये 21 बार मंत्र पढ़ते ही ये जादू कट जाता है। दोबारा ऐसा लगा, नज़र लग गई, ये बला हो गई, हाय हो गई, टोक हो गई, करनी हो गई, कुटाल हो गई, या कुछ काम धंधा नहीं चल रहा, रोजी रोटी से परेशान है, बीमारी से परेशान, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, उसके बाद भी आदमी बीमार पड़ा हुआ है पलंग के ऊपर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, तो आप एक नींबू उठा लीजिए, सामने लेकर सर पर रखिए और 21 बार पढ़कर फूंक मारिए। नींबू को एक बार में एक फूंक मारिए, 21 मंत्र पे 21 फूंक मारिए, उसके बाद उसको नींबू को काट दीजिए, काटने का नींबू के दो टुकड़े करिए और उसको फेंक दीजिए, सामने लगा जादू कट जाएगा। नारियल पर रख के सर पर 21 बार पढ़ के फूके और ज़मीन पर तोड़ दीजिए तो भी उसका जादू कट जाएगा। अब आप नमक के ऊपर भी पढ़ के, आपके पास नमक है तो नमक पढ़ के उतार के फेंक दीजिए और नमक का पानी भी लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। बंदा पानी के ऊपर पढ़ के पानी पिला देंगे तो भी जादू कट जाएगा उसका। तो जादू काटने के तरीके बहुत सारे हैं। मूली के बीज पर ले गया कि दुश्मन के घर के पास डाल दे, वो कुछ भी करके घर में से बाहर निकलेगा, आप तक नहीं पहुंचेगा, उसके घर के बाहर ही कट के ख़त्म हो जाएगा जादू। तो जहाँ आपके दरवाजे तक भी नहीं आएगा कोई, आपको दरवाजे भी डाल दे तो भी दरवाजे के अंदर वो चीज़ अंदर नहीं आएगी। बांधना भी बताया और काटना भी मैंने बताया। उसी तरह दायरा जब आप बनाते हैं चाकू से, रिंग से, पेंसिल से, चौक से, जब भी आप साधना करने के टाइम, तो हमेशा उस रिंग को निकलने से टाइम 21 बार पढ़ के उस पर क्रॉस का निशान मारिए। अगर चाकू होगा तो चाकू से ऐसा क्रॉस का निशान मारिए और उस निशान में से बाहर निकलना है आपको। पेंसिल होगी तो पेंसिल से मारिए, चौक होगा तो चौक से क्रॉस मारिए, चाकू होगा तो चाकू से मारिए, छुरी होगी तो कीला होगा, तो जैसा आपको बंदिश करने रहे। और रिंग याद रखिएगा कि अपने अंदाज में यहाँ पर रिंग खींची थी और अंदाज पे ही आपको ऐसा काटना है उसको 21 मरतबे। उसी तरह आप किसी का नींबू, नारियल, नमक या फिर पानी के ऊपर जब भी करें, जब भी आपका पड़ के हो जाए तो आप उसके सामने आप ऐसा एक निशान कर दीजिए, यानी उसका जादू कट गया। ये राज की बातें कोई नहीं बताएगा, ऐसे और भी वीडियो धीरे धीरे मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज भाग 2 को खरीदना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।